उत्तराखंड में विकास के नाम पर जंगलों की कटाई कोई नई बात नहीं है। यहाँ समय समय पर विकास के बहाने सरकार वन क्षेत्र में आरी चलाती आई है। एक बार उसी कड़ी में देहरादून के खलंगा वन क्षेत्र में विकास की आरी चलने को तैयार है, क्योंकि इस क्षेत्र में एक बड़ा जलाशय बनाने की बात कही जा रही है। इसके लिए 2000 पेड़ों की बलि दी जाएगी। इन 2000 पेड़ों पर मौत के लाल निशान भी लगा दिए गए हैं। आपको बता दें कि गर्मी बढ़ते ही देहरादून शहर में पानी की किल्लत शुरू हो जाती है। ऐसे में शहरवासियों को पेयजल की समस्या से निजात दिलाने के लिए इस जगह पर जलाशय बनाने की बात कही गई है। दरअसल सोंग डैम से पेयजल शहर तक पहुंचाना है, जिसके लिए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और रिजर्वायर की व्यवस्था की जानी है, इसलिए जमीन की तलाश की जा रही थी। फिलहाल पेयजल विभाग को खलंगा का वन क्षेत्र सबसे बेहतर क्षेत्र लग रहा है। हालांकि वन विभाग ये कोशिश कर रहा है कि पेयजल विभाग कुछ दूसरे विकल्पों पर भी विचार करे, ताकि साल के इन पेड़ों को बचाया जा सके। फिलहाल इस पूरे ग्रीन फॉरेस्ट को काटे जाने की खबर पर सामाजिक संगठन, पर्यावरणविद और आम लोगों के साथ युवा आंदोलन पर आ गए हैं। सोशल मीडिया के जरिए अपील की जा रही है और लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है कि इन पेड़ों को काटने से बचाया जा सके। बहरहाल ये तो अब वक्त ही बताएगा कि पेयजल निगम इस ऐतिहासिक जंगल पर आरी चलाएगा या फिर राज्य के दूसरे जगह पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।